अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं बनाने लगी हूँ चना चाट पापड़ी वाली। तो उसके लिए मैंने चने बॉईल कर लिए हैं, वाइट वाले चने हैं। इसको मैंने बहुत अच्छे सा, ये देखें कितना सॉफ्ट मैंने इनको बॉईल किया है, अभी भी गर्म हो रहे हैं ये देखें। ठीक है, अब इसमें मैं ऐड करूँगी आलू। आलू मैंने कलर करके बॉईल कर लिए हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया आलू। और ये बहुत मज़े की बनती है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल आप कहेंगे कि ये तो हम बाज़ार की चाट खा रहे हैं। इसके साथ मैं डालूंगी इसमें, ये मैंने आलू मैश करके रखे हैं, इसके अंदर मैंने आलू में कलौंजी और कुटी हुई मिर्ची डाली हैं। ये मेरे आलू हैं, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। ये बिल्कुल एक आलू को बॉईल करके थोड़ा सा इसका इस तरह से मलिदा मैंने बना लिया था, ये है। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चटनी, जो कि मैंने दही के साथ बना के रखी है। इसके साथ ही मैं ऊपर से इसमें ऐड कर दूंगी प्याज। ये बहुत मज़ेदार चाट है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ हरा धनिया, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा करके धो के। और अब जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट है वो है इमली की चटनी, सो वो मैं इसमें ऐड करूँगी, मीठी चटनी इमली की, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। इमली की चटनी की रेसिपी मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, और अगर नहीं कहेंगे तो मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं दोबारा इसको बनाना बता दूँगी। बहुत बहुत मज़ेदार चटनी बनती है ये। इस पे ऐड करेंगे हम थोड़ी सी पापड़ी, ये पापड़ी भी मैंने खुद बनाई है, इसकी भी मैं आपको रेसिपी बताऊंगी। ये देखें जी, हमारी चना पापड़ी चाट रेडी हो गई है। ये मैं इस पर ऐड करने लगी हूँ थोड़ा सा चाट मसाला। ये लजीज और चटपटी चना चाट पापड़ी रेडी हो गई है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये बिल्कुल टन टना टन वाली चाट है। अल्लाह हाफिज़।